हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीएफ मेमोर पोर्टल पे एक लेटेस्ट अपडेट आया, जो वो अपडेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ आशा करता हूँ ये अपडेट आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पीएफ मेमोर पोर्टल पे। दोस्तों, आपने एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्लाई की, उसमें गलती से आपने प्रीवियस कंपनी सेलेक्ट कर लिया और जो आपकी प्रीवियस कंपनी है वो आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर रही, तो आपको क्या करना चाहिए? जो आप पहले अप्रूव करते थे तो वो आपके ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप ना तो वो रिजेक्ट कर सकते थे जब तक आपका एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं करता था। उसकी पूरी अथॉरिटी एम्प्लॉयर के पास होती थी जो आपने अप्रूवल के लिए सेलेक्ट किया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट अगर नहीं किया, अगर करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पूरा बना रखा है पीएफ ट्रांसफर प्रोसेस का ए टू जेड तक का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं कर रहा तो आप पहले अप्रूव ना तो कैंसिल कर सकते थे, वो सिर्फ आपको एम्प्लॉयर के ही हाथ पैर पकड़ने पड़ते थे कि मेरा ट्रांसफर अप्रूव कर दो या रिजेक्ट कर दो। दोस्तों, अब ये जो ऑप्शन है ये फाइनली इन्होंने हटा दिया, अब एक नया अपडेट दे दिया जिस वजह से पूरा अथॉरिटी मेंबर के पास रहेगी। तो ये जो अथॉरिटी वाला जो उन्होंने ऑप्शन दिया कि वो मेंबर अपना हिसाब से कैंसिल कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा अपडेट लगा क्योंकि वो पूरा अब एम्प्लॉयर पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको दिखाई दे रहा मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्लाई की, तो इसमें ज़रा मेंबर एक्शन का एक नया ऑप्शन ऐड किया। तो मेंबर ऑप्शन का जो ऑप्शन ऐड किया तो इसमें दिख रहा है आपको मेंबर एक्शन में एक नीचे, अगर मैंने अभी देखो नीचे एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्लाई की, वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर केवाईसी ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर रहा, काफ़ी दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, दो हो गए, तब आप नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे कैंसिल कीजिए और आप दोबारा अप्लाई कीजिए और आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप जब काम कर रहे हैं, और वो आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगा। तो आप अपना आसानी से आप कहीं भी अपना ट्रांसफर जो पैसा है वो आपके करंट पासबुक में अपडेट हो जाएगा। तो ये जो मेंबर एक्शन वाला जो नया कॉलम इन्होंने ऐड किया कैंसिल का, रिजेक्ट का, तो काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रहे थे, फाइनली इन्होंने ऑप्शन ऐड कर दिया। तो ये अपडेट जानने के लिए कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये अपडेट जो मेंबर्स थे पीएफ मेंबर्स, इनको बहुत पीएफ मेंबर्स को राहत भी मिली है जिस वजह से वो अपना ट्रांसफर जो रुके हुए थे वो अब आसानी से वो निकल सकते, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी वो अब आसानी से अपना ट्रांसफर कैंसिल करके आप नई कंपनी सेलेक्ट करके अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कम से कम 50 लाख तो होने चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।